बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन, नमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6। नमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 4,8700 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। जी हमने फाइंड करना है, इसमें आर रेडियस हमें उसने बताया हुआ है, आर इज़ इक्वल टू 48700 किलोमीटर है। तो इसको इसके ऐसे यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो की जगह पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 487 मल्टीप्लाई बाय 10^5 मीटर। तो मास ऑफ अर्थ चूँकि हमें फाइंड है, हमने मालूम किया हुआ है, एम ई इज़ इक्वल टू 6×10^24 किलोग्राम है। तो रेडियस जो है वो ज़मीन का, वो आर इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर है। इसको इसके ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 6400 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64×10^5 मीटर। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू हमें मालूम है कि जी इज़ इक्वल टू 6.673×10^-11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो जी का फार्मूला हमें ने फाइंड किया था, वो हमें मालूम है, जी इज़ इक्वल टू जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम ई ओवर आर रेडियस प्लस आर का स्क्वायर। तो इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6.673×10^-3 × 6×10^24 ओवर 487×10^5 प्लस 64×10^5। तो इसकी इन शॉर्ट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो जी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40.038×10^13 आ जाएगा ओवर 551×10^5 आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 40.038×10^13 ओवर 303601×10^10 आ जाएगा। तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे, तो जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 40.038×10^3। पिछले स्टेप में चूँकि 10^13 उसकी पावर थी और नीचे बटे में उसके 10^10 थी, तो वो उसमें ऊपर शिफ्ट किया तो वो माइनस होगी पावर की पावर पावर से, तो वो हमारे पास आ जाएगी 10^3। तो जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।